दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध से पहले किसी को यह अंदाजा नहीं था कि लगभग सभी देश एक साथ इस युद्ध में हिस्सा ले लेंगे। यह इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में से एक था जिसमें करोड़ों लोगों की मौत हुई। और दोस्तों, आज के समय में जो हालात रूस और यूक्रेन का है, पता नहीं तीसरा विश्व युद्ध कब हो उठे। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था और इस युद्ध में किन किन देशों ने भाग लिया था, और इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध होने के प्रमुख कारण क्या थे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और इस युद्ध को ग्लोबल वार भी कहा जाता है। उस समय ऐसा माना गया कि इस युद्ध के बाद सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस युद्ध के 20 साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। और मैं आपको बता दूं कि यह युद्ध 4 सालों तक चला और 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि इस युद्ध में किन किन देशों ने भाग लिया। दोस्तों, इस युद्ध में एक तरफ अलाइड शक्ति और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति थे। अलाइड शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान जैसे देश शामिल थे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने 1917 में जाकर भाग लिया था। और इसके अलावा सेंट्रल शक्ति में केवल 3 देश मौजूद थे, और वो 3 देश थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। अब चलिए जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध होने के प्रमुख कारण। दोस्तों, इस खतरनाक विश्व युद्ध में युद्ध का कोई एक कारण नहीं था, इसमें कई कारण थे जिन्होंने दुनिया को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया था। इस युद्ध का होने का सबसे प्रमुख कारण था सैन्यवाद, यानी कि मिलिट्रिज्म। दोस्तों, हर देश ने खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया। सभी देशों ने उस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक, बड़े जहाज और बड़ी आर्मी का कॉन्सेप्ट लाया, और इन सभी चीजों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफी आगे थे। इनके आगे होने का कारण इन देशों में औद्योगिक क्रांति का बढ़ना था। औद्योगिक क्रांति से यह देश बहुत अधिक विकसित हुए और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों देशों ने अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दिया, और यहीं से ही मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध होने का प्रमुख कारण विभिन्न देशों के बीच संधियां यानी कि गठबंधन प्रणाली भी था। दोस्तों, यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए कई देशों ने संधियां बनानी शुरू कर दी, और उस समय कई तरह की संधियां गुप्त रूप से होती थी। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध होने का प्रमुख कारण साम्राज्यवाद भी था। उस समय पश्चिमी यूरोपीय देश चाहते थे कि उनके विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी फैले, और इस घटना को स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया। इसका मतलब था कि अफ्रीका अपने जितने अधिक क्षेत्र बचा सकता है बचा ले, क्योंकि उस समय अफ्रीका का क्षेत्र बहुत बड़ा था। यह समय 1980 के बाद का था जब सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे, और इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। और दोस्तों, ब्रिटेन का उस समय काफी देशों पर कब्जा था, और वह काफी सफल देश था। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर ब्रिटिश शासन का राजस्व था। इस 25% क्षेत्र की वजह से इसके पास बहुत अधिक साधन आ गए थे। इसी वजह से इसकी सैन्य क्षमता में भी खूब वृद्धि हुई। और इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध होने का प्रमुख कारण राष्ट्रवाद भी था। 19वीं शताब्दी में देशभक्ति की भावना पूरे यूरोप में थी। यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। इन सभी देशों को लगने लगा था कि कोई भी देश लड़ाई लड़के और जीत के ही महान बन सकता है, और इस तरह से देश की महानता को उसके क्षेत्रफल से जोड़कर देखा जाने लगा। और दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो यह था कि आर्क ड्यूक फर्डिनांड ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे।
इन पर जून 1914 को गोम्बिलो प्रिंसेप नामक आदमी ने हमला कर इन्हें मार दिया था और इस हत्या के बाद ही साइबेरिया को धमकी मिलनी शुरू हुई। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद साइबेरिया को अल्टीमेटम दिया कि वो जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दे और साइबेरिया ऑस्ट्रिया के अधीन हो जाए। इस मसले में साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी और रूस को इस मसले में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया और ऐसा होते देख धीरे धीरे ये दो देश की लड़ाई न होकर विश्व युद्ध में बदल गया। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत का क्या रोल था। इस युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े थे। ये भारतीय सैनिक फ्रांस, इराक, इजिप्ट आदि जगहों पर लड़े, जिसमें लगभग 50,000 सैनिकों को शहादत मिली और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। और दोस्तों, क्या आपको पता है एक भारतीय पैदल सैनिक का मानसिक वेतन उस समय महज 11 रुपया था और युद्ध में भाग लेने से यह आय बढ़ गई थी। और दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत का भी अहम रोल था। अब चलिए जानते हैं इस युद्ध के समाप्ति का क्या परिणाम रहा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और परिणाम बहुत ही भयावह रहे थे। 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र देशों के पलटवार ने जर्मन सेना को निर्णायक वापसी हेतु मजबूर कर दिया। अक्टूबर नवंबर 1918 में तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया और बाद में जर्मनी की हार हुई और वहां सत्ता भी बदली और नई सत्ता के आने से जर्मनी ने युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को जाकर खत्म हुआ। इस विश्व युद्ध में 1,10,00,000 सिपाही और लगभग 60,00,000 आम आदमी मारे गए थे। इसमें मरने वालों की संख्या 1,70,00,000 थी, वहीं 2,00,00,000 लोग घायल हुए थे। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में भी ला दिया था। इस युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति बनकर उभरा था और उसी समय से अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश बन गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।